हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैनिया। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फिल्म रिव्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिल्म रिव्यू आपके 11th की टेक्स्ट बुक में राइटिंग स्किल के सेक्शन में दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़िल्म रिव्यू और मूवी रिव्यू क्या होता है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है और कितने मार्क्स का होता है और किस बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये टॉपिक आपको 11th की टेक्स्ट बुक में क्यों दिया हुआ है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि मूवी रिव्यू लिखने के लिए जॉब होती है मूवी रिव्यूअर की। लाइक एवरी फ्राइडे यूजुअली अ फिल्म गेट्स रिलीज, हर फ्राइडे को मूवी रिलीज होती है और सैटरडे को आपको न्यूज़पेपर में उसका रिव्यू मिल जाता है, जिसकी बेसिस पे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ये डिसाइड करती है कि उन्हें मूवी देखने जाना है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मूवी रिव्यू क्या होता है या फिल्म रिव्यू क्या होता है। देखिए, इट इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ अ मूवी इंक्लूडिंग इट्स कैरेक्टर्स, डायरेक्टर, प्लॉट समरी एंड सो ऑन। ये जो मूवी रिव्यू है वो एक स्टोरी के बारे में होता है। जो मूवी हम देखते हैं तो एक मूवी की स्टोरी के बारे में मूवी रिव्यूअर यानी जो मूवी का रिव्यू लिख रहा है उसके बारे में लिखता है, उसके कैरेक्टर, उसके डायरेक्टर, प्लॉट समरी के बारे में लिखता है। इट गिव्स द ओपिनियन ऑफ द रिव्यूअर अबाउट द मूवी। रिव्यू क्या होता है, रिव्यूअर यानी जो मूवी को रिव्यू कर रहा है उसके ओपिनियन को, उसके नज़रिए को बताता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। नेक्स्ट इज पीपल डिसाइड टू वॉच और नॉट वॉच द मूवी बेस्ड ऑन रिव्यूअर्स रिव्यू। तो लोग जो है वो डिसाइड करते हैं उन्हें मूवी देखनी है या नहीं देखनी है, और ये सब कुछ निर्भर करता है रिव्यूअर के रिव्यू पे जो वो रिव्यू लिखता है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं भी बहुत हद तक के रिव्यूअर के रिव्यू पे डिपेंड करती हूँ। अगर रिव्यूअर का रिव्यू अच्छा होता है तभी मूवी देखने जाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं जाती हूँ। आप देख सकते हैं कि हितवाद में एवरी सैटरडे यू कैन फाइंड रिव्यू ऑफ एनी मूवी दैट गेट रिलीज ऑन फ्राइडे। अब देखिए, मूवी रिव्यू एग्जैक्टली किस बारे में होता है, तो तीन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो पहला तो एलिमेंट है कि व्हाट्स इट अबाउट, कि किस बारे में है। दूसरा हाउ गुड इज इट, कितनी अच्छी मूवी है या ख़राब मूवी है, एंड व्हाट डज इट कंपेयर टू, और आप उसको किससे कंपेयर कर सकते हो। तो अब आप देखोगे कि तीन मेन स्टेप्स होती हैं मूवी के रिव्यू को लिखने की। तो पहली स्टेप है बिफोर वॉचिंग द मूवी मेक अ स्टडी ऑफ, आपको मूवी देखने के पहले कुछ स्टडी करनी है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। दूसरी स्टेप है वाइल वॉचिंग द मूवी, मूवी देखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। और थर्ड स्टेप है आफ्टर वॉचिंग द मूवी, यहाँ से मूवी रिव्यूअर का काम शुरू होता है थर्ड स्टेप से। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि आफ्टर वॉचिंग द मूवी आपको मूवी का रिव्यू मूवी देखने के बाद ही लिखना है। तो पहली स्टेप को अगर मैं इलैबोरेट करूं कि बिफोर वॉचिंग द मूवी मेक अ स्टडी ऑफ, कि मूवी को देखने के पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, तो सबसे पहले तो द टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है मूवी का, कि टाइटल जस्टिफाई करता है मूवी के अंदर के मटेरियल को या नहीं। फिर आता है सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द ईयर ऑफ रिलीज, किस ईयर में मूवी रिलीज हो रही है। यूजुअली अगर फ्राइडे को रिलीज़ होती है तो सैटरडे को उसका रिव्यू लिखा जाता है, तो ऐसा नहीं कि दो तीन साल पहले रिलीज़ हुई और आप लिख रहे हो। यूजुअली तो ऐसे ही होता है क्योंकि न्यूज़पेपर में आता है, टीवी पे आता है, तो ईयर ऑफ रिलीज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हो तो आप उसके पहले की डेट्स भी, उसके पहले का ईयर भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नाउ इट इज़ 2020, तो अभी आप 2019 की भी कोई मूवी का रिव्यू लिख सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्क्स। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ नेम ऑफ स्क्रिप्ट राइटर, उसका राइटर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, कैरेक्टर्स के नाम कौन है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ जॉनर, जॉनर मीन्स टाइप, किस टाइप की मूवी है। जैसे कि आप मूवी का नाम लिखोगे, एग्जाम्पल मैंने दी है यहाँ पे, और इज़ आ ब्रैकेट में आप, जैसे कि मूवी का नाम है तो कोई भी मूवी का नाम लिख सकते हो आप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रैकेट में लिखूँगी गोलमाल, तो गोलमाल इज़ आ कॉमेडी मूवी, ऑब्वियसली कॉमेडी मूवी है। तो आपको टाइप लिखना है, जॉनर लिखना है कि किस जॉनर की मूवी आप देख रहे हो। तो सेकेंड आता है साईफाई, साईफाई का मतलब होता है साइंस फिक्शन की, साइंस पे बनी हुई है। देन इट इज़ अ हॉरर मूवी, और द मूवी इज़ एक्शन मूवी, रोमांटिक मूवी, डॉक्यूमेंट्री मूवी,
इट्स अ म्यूजिकल मूवी, इट्स अ थ्रिलर मूवी, वेस्टर्न मूवी और इट इज़ बेस्ड ऑन अ डिजास्टर। सेकेंड स्टेप को इलैबोरेट करते हैं व्हाइल वॉचिंग द मूवी। मूवी देखते हुए आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो पहले तो है मूवी जो है वो कहाँ पे सेट हुई है ना, लोकेशन क्या बताया है उसने, ये इम्पॉर्टेंट है। दैट टेक्स प्लेस इन, तो जैसे कि प्रिजन की एक जेल में मूवी बताई है, न्यूयॉर्क इन द 1960s कहाँ बताया है, फेमस पेरिस, द फ्यूचर, द फार वेस्ट एंड इमेजिनरी सिटी। सेकेंड स्टेप को अगर हम इलेबरेट करें तो टेक्स नोट अबाउट, आपको ये स्टेप्स, ये चीज़ें जो है, ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, आपको ध्यान रखना है, इसके नोट्स आपको लिखने हैं। यानी यू मस्ट कीप इन माइंड मेजर एंड माइनर इवेंट्स और सीन्स, कि मूवी में कौन कौन से बड़े और छोटे इवेंट्स और सीन्स हो रहे हैं, प्लॉट क्या है यानी स्टोरी क्या है, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, मॉरल यानी कि वो मूवी आपको कुछ मैसेज कन्वे कर रही है, म्यूज़िक के बारे में आपको ध्यान देना है कि म्यूज़िक में सॉन्ग्स कैसे हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसा है, उसका डायरेक्शन कैसा है और उसकी फाइनली सिनेमेटोग्राफी कैसी की गई है। नाउ लेट्स एलैबोरेट द थर्ड स्टेप, दैट इज़ आफ्टर वॉचिंग द मूवी। मूवी देखने के बाद यानी कि जो रिव्यूअर का काम मेन यहीं से शुरू होता है। पहली स्टेप देखते हैं वॉचिंग, आफ्टर वॉचिंग द मूवी की, चूज़ इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर रिव्यू राइटिंग। एक फॉर्मेट आपको डिसाइड करना है कि किस फॉर्मेट में आप मूवी का रिव्यू लिखना चाहते हो। देन ऑर्गेनाइज द इवेंट्स, जो जो और इवेंट्स हुए हैं मूवी में उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है, उसको आपको बताना है, जो चीज़ पहले हुई उसको पहले लिखना है, जो चीज़ बाद में हुई उसको बाद में लिखना है। थर्ड इज़ यूज प्रॉपर लैंग्वेज एंड वोकेबलरी, आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज और वोकेबलरी का यूज़ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको पॉजिटिव वोकेबलरी और नेगेटिव वोकेबलरी दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि अगर हम पॉजिटिव रिव्यू लिख रहे हैं तो हम वोकेबलरी यूज़ करेंगे इंस्पायरिंग म्यूजिक, वंडरफुल सेट्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग, ट्रूली फ्राइटनिंग, एस्टॉनिशिंग स्पेशल इफेक्ट्स, extremely imaginative, exciting storyline, the movie is unique, has magical touch, it is hilarious and great acting. negative useful vocabulary ka agar hum baat kare to likhenge the storyline is boring, it has awful acting, the movie is too long, it is unconvincing, the movie is terrible एंड इट हैज़ अ सिली एंडिंग। तो ये नेगेटिव वोकेबलरी हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अब आपको अगर समरी ऑफ द प्लॉट स्टार्ट करना है, अगर आपको स्टोरी उसकी बतानी है तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, द स्टोरी सेंटर्स अराउंड क्या, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, द स्टोरी सेंटर अराउंड टू पीपल, जिसके आप लिख सकते हो द स्टोरी बिगिंस व्हेन द एक्टर वॉज और द हीरो वॉज अ चाइल्ड। इट इज़ अबाउट, किसके बारे में है मूवी, इट इज़ अबाउट two people, then the film tells the story of, जैसे the film tells the story of a cricketer, ऐसे आप लिख सकते हो, अपनी summary की starting कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे तीन important tip दूंगी, जिसमें से tip number one है कि reviewers review बहुत ज़्यादा important होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि audience आपके review को पढ़ने के बाद decide करेंगे कि उन्हें movie देखने जाना है या नहीं। तो इसमें आप लिख सकते हो it's a must watch movie, इट्स वर्थ सीइंग, यानी आप देखो जाओ ज़रूर, डोंट मिस इट, ऐसे आप लिख सकते हो। और अगर आप नहीं चाहते कि ये ऑडियंस मूवी को देखे तो आप नेगेटिव रिव्यू में लिख सकते हो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट वर्थ वॉचिंग एट ऑल। तो ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी आपके रिकमेंडेशंस, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स और वोकेबलरी दिए हुए हैं। टिप नंबर टू की अगर हम बात करें तो ये आता है समरी ऑफ द फिल्म, कि फिल्म की समरी, फिल्म की स्टोरी आप कैसे बताओगे। तो टू और थ्री सेंटेंसेस इज़ फाइन, ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी स्टोरी आपको बताना है। इसमें आपको रिव्यू लिखना है, इसमें आपको एक स्टोरी नहीं बतानी है, रिव्यू लिखना है यानी आपने देखने के बाद क्या डिसाइड किया कि ये मूवी कैसी है, आप अपने दृष्टिकोण से लोगों को बताओगे। यू डोंट नीड टू इंक्लूड अ लॉट ऑफ डिटेल्स, बहुत सारी डिटेल्स नहीं देनी है मूवी की। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये कि रिवील द बिग एंडिंग, एंड में क्या होता है, बिग एंडिंग आपको आखिरी में जो होता है वो लोगों को नहीं बताना है, उसकी एंडिंग को ख़राब नहीं करना है, लोगों को ये नहीं बताना कि एंड में क्या होता है, तभी तो लोग मूवी देखने जाएंगे कि एंड में क्या होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताऊँगी कि जब भी
आप मूवी रिव्यू लिखे तो तब आप ज़रूर और ज़रूर रेटिंग दे या स्टार दे। रेटिंग देना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत चलन है रेटिंग का। लोग पूछते हैं अरे ये मूवी की रेटिंग क्या आई है, वो मूवी को कितने स्टार्स मिले हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर हम 5 स्टार देते हैं तो इसका मतलब है एक्स्ट्रॉर्डनरी या एक्सेलेंट। 4 स्टार देते हैं तो उसका मतलब है एक्सेलेंट या अबव एवरेज। दोनों भी टाइप चलेंगे, जो कि आप स्क्रीन पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हो वैसे आप दे सकते हो। अगर आपने 0 स्टार दिए तो पुअर है, 1 स्टार दिए तो भी पुअर है। दोनों भी रेटिंग जो है वो चलेंगी। आप इस प्रकार से जब भी मूवी रिव्यू लिखोगे तब आप रेटिंग दे देना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न, कि कितने मार्क्स आपको इस पे मिलेंगे। तो ये टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट दीज 4 मार्क्स आर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ द थीम और स्टोरी लाइन। आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो स्टोरी लाइन को मूवी के, उस पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड इज टेक्निकल और यूनिक आस्पेक्ट्स, कि आप किस प्रकार से टेक्निकल और अपने और कौन से यूनिक और न्यू और नॉवेल आस्पेक्ट्स उसमें बता रहे हो अपने रिव्यू में, दैट कैरीज 1 मार्क। थर्ड इज ओवरऑल प्रेजेंटेशन, आपका रिव्यू लिखने का प्रेजेंटेशन कैसे है उस पर आपको 1 मार्क मिलेंगे। तो टोटल इस प्रकार से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। देन आइडियल क्वेश्चंस, आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आ सकते हैं। तो पहला है राइट अ रिव्यू ऑफ एनी। अब आपको कोई भी टाइप की, कोई भी जॉनर की मूवी के बारे में पूछा जाएगा, उस पर आपको रिव्यू लिखना है। जैसे कि इट मे बी हिस्टोरिकल, कोई हिस्टोरिकल मूवी का रिव्यू लिखिए, कोई एक्शन मूवी का, कोई एडवेंचरस, बायोग्राफिकल, कोई बायोग्राफिकल मूवी का लिखिए। बायोग्राफिकल मीन्स बायोपिक, बायोपिक भी कहते हैं। बायोपिक उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति के निजी जीवन पर मूवी बनती है। फॉर एग्जाम्पल एम एस धोनी जो मूवी है, वो हमारे जो क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी, उनकी बायोपिक है, उनके जीवन पर बनी हुई है। देन कॉमिक, हॉरर, रोमांटिक, थ्रिलर फिल्म ऑफ योर चॉइस, अपनी मर्जी की, अपनी चॉइस की इनमें से कोई मूवी पर आप रिव्यू लिखिए। अब आपको कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, वो पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स उसमें आने चाहिए आपके मूवी रिव्यू में। जैसे कि स्टोरी लाइन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कैरेक्टर्स और कास्टिंग, मेजर एंड माइनर, बड़े कैरेक्टर और छोटे कैरेक्टर, यानी जो मेन रोल में जो है हीरो हीरोइन वो, और माइनर कैरेक्टर्स यानी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं, सपोर्टिंग हीरो और हीरोइन जो होते हैं वो। देन सेटिंग और लोकेशन, मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको बताना है कि मूवी कहाँ पे सेट हुई है, उसका लोकेशन कहाँ पे है। कॉन्फ्लिक्ट, कि उसमें कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, वो भी आपको बताना है। मैसेज, अगर वो मूवी कोई मॉरल दे रही है, कोई मैसेज कन्वे कर रही है, तो आपको बताना है। और सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, यानी कि वो जो टाइटल है मूवी का, वो सिग्निफिकेंस है, वो एप्ट है या नहीं है, यानी जो टाइटल है वो मूवी से रिलेट कर रहा है या नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मूवी रिव्यू को कैसे लिखा जाता है और उसका आइडियल फॉर्मेट क्या होता है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।